स्टैंडर्ड फोर्थ में नेक्स्ट लेसन देखो एंडवी का, रियाज जर्नी चैप्टर नंबर 6 आपका, ठीक है। रिया जर्नी, ये एक गर्ल है, उसकी बारे में बताया है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है घूमने के लिए। तो फर्स्ट देखिए, रिया एंड हर फ्रेंड जिया बर वेरी एक्साइटेड, दे वर गोइंग फॉर ए ट्रिप ऑन ए ट्रेन टू बापी। रिया और जो जिया थी वो दोनों आपस में बहुत दोस्त थी और बहुत ही एक्साइटेड थी। वो एक जर्नी पे जा रही थी, एक ट्रिप में जा रही थी, कहाँ पे? बापी में। रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल हाउस, रिया जो थी वो अपने अंकल के घर जा रही थी। और जिया वॉज गोइंग टू दमन विद हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे, और जिया जो थी वो दमन में जा रही थी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने। As both the family decided to go together, Rhea's father had booked train ticket for the both the family before 15 days. तो दोनों फैमिली ने डिसाइड किया, रिया की फैमिली ने और जिया की फैमिली में, कि हम सब दोनों फैमिली साथ में जाएंगी। उन्होंने 15 डेज पहले ही टिकट निकाल लिया ट्रेन का जाने के लिए। यस, 2 डेज बिफोर देयर जर्नी, 2 ही दिन जर्नी को बचे थे, जिया फेल इल, और जिया जो थी वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने बोला कि उसको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो जिया फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट, जिया की फैमिली ने टिकट को कैंसिल कर दिया। बोथ फ्रेंड्स वाज वेरी सैड एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप, तो दोनों दोस्त जो थी बहुत ही सैड हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि हम लोग क्या क्या ट्रिप में करेंगे। ड्यू टू जिया कॉन्सिलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड, तो जिया की कैंसिल की वजह से रिया जो थी वो भी बहुत सैड हो गई। जिया सैड आई हैव एन आइडिया, तो जिया क्या करती है, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। तो शी टोल्ड रिया, वो रिया से बोली, डोंट बी अपसेट, तुम दुखी मत हो, यू राइट एवरीथिंग अबाउट यूर ट्रिप इन ए डायरी एंड टेक फोटोज़ एंड वीडियोज इन यूर मोबाइल। तो तुम ऐसा करो, तुम्हें क्या करने का, एक डायरी ले लेने का, और उसमें सब कुछ अपनी डायरी में ट्रिप के बारे में लिखते जाने का, और फोटो खींचने का, और साथ में वीडियो बनाने का, और फिर वो मोबाइल में जमा रखने का। व्हेन यू विल कम बैक, जब तुम वापस आओगी, आई विल रीड यूर डायरी, मैं आपकी डायरी पढ़ लूँगी, एंड विल सी फोटोज़ एंड वीडियोज़, और वो फ़ोटो भी देख लूँगी और वीडियोज़ भी देख लूँगी। रिया वेंट टू हर होम, रिया घर पर गई, शी फाउंड वन नोटबुक, उसने एक नोटबुक ली, एंड आई पेन एंड पुट इन हर बैग, और अपना सब सामान बैग में रख लिया। टुडे इज ए फुल मून डे, डायरी के बारे में वो क्या क्या लिखती जाएगी डायरी में वो भी दिया है। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन, तो आज जो था फुल मून डे था, आफ्टर उन्होंने डिनर किया, डिनर के बाद वो गांधीधाम रेलवे स्टेशन में आ गए। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, कुछ देर में ही ट्रेन भी स्टेशन पे आ गई। वी सॉ सम पैसेंजर वर सिटिंग इन द ट्रेन, उसने बहुत सारे पैसेंजर देखे किसमें, ट्रेन में बैठे हुए। ट्रेन हैज़ डिपोर्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ, तो मेन का जो कच्छ का जो मेन स्टेशन था, ट्रेन 7:50 पे पहुंच गई। द नेम ऑफ अवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस, तो उनकी ट्रेन का नाम था कच्छ एक्सप्रेस। When we went near the coach, there was so much commotion from a single door. जब हम उस एकदम अपने डिब्बे के पास में पहुँच गए, तो उसका एक ही सिंगल दरवाज़ा था। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside. तो कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे, तो कुछ एक दूसरे को पुश कर रहे थे, और सामान को भी, मैंने भी अंदर में सामान को पुश किया। Father felt someone pushing. तो पापा को ऐसा लगा कि कोई पीछे से मुझे धक्का दे रहा है, सो ही सैड। फिर उसने कहा, ट्रेन विल स्टॉप हर फॉर 15 to 20 minutes, सो डोंट वी इन हरी, तो आप इतना जल्दी मत कीजिए, यहाँ पे ट्रेन 15 to 20 minutes तक रुकेगी। तो वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, फाउंड अवर सीट्स एंड कैप्ट अवर लैगेज एट ए प्रॉपर प्लेस, फिर हम जब उस पर चढ़ गए, थोड़ा जगह के लिए हमें जगह भी मिल गया, प्लस हमने अपने सामान को भी प्रॉपर जगह पर रख दिया। Why the time the train started, फिर थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई। Most people had found their seats, बहुत सारे लोगों ने फिर वो सीट्स जो थी पा ली। मदर्स एंड गर्ल विंडो सीट्स, मैं विंडो सीट पर बैठ गई। फादर्स एंड हिमक गॉट द मिडल सीट, और पप्पा और जो हिमक थे वो दोनों बीच की सीट में बैठ गए। देयर वर अनदर फैमिली विद अस, और हमारे साथ और भी बहुत सारी फैमिली थी। दे सीम टू वॉट द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, तो वो आगे जाके नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गए।
तो दे हैड टू चिल्ड्रन ऑफ अवर एज विद हेम, उनके साथ दो बच्चे भी थे जो हमारी ही एज के थे। दे गॉट टू अपर सीट्स एंड टू लोअर सीट्स, तो वो कुछ दो ऊपर की सीट पे थे, दो नीचे की सीट में लेटे बैठे थे। अब रिया की जर्नी आगे। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड अवर टिकट टू सी इफ वी वर इन अवर प्रॉपर सीट्स। तो कुछ समय बाद जो है टिकट कलेक्टर आता है, हमारी टिकट चेक करता है और देखता है कि हम अपनी प्रॉपर सीट पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। आफ्टर वन आवर द ट्रेन स्टॉप्ड एट वन स्टेशन, एक घंटे के बाद ट्रेन जाके फिर नेक्स्ट स्टेशन पे रुकी। आई साइड फ्रॉम द विंडो, मैंने खिड़की में से बाहर देखा। समखाईदी जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन, तो उस स्टेशन पे समखाईदी स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। आई आस्क माई फादर, मैंने अपने पापा Why is the junction was written after the station name? तो junction क्यों लिखा हुआ है, मतलब station के नाम पे साथ में junction क्यों लिखा हुआ है। Father explained to me that, पापा ने मुझे explain करके बताया, the station at which two or more railway tracks are separating is called junction, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा railway track जो हैं सेपरेट हो जाती हैं, मतलब जैसे रेल की लाइनें पटरियां जो हैं साथ साथ में चल रही होती हैं, लेकिन उधर जाके जंक्शन के पास में जाके वो अलग हो जाती हैं, उसी को हम जंक्शन बोलते हैं। फ्रॉम दिस स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, यहाँ से इस स्टेशन से दो रेलवे ट्रैक्स जो हैं सेपरेट हो जाती हैं। ऑन द ट्रैक ऑन विच अवर ट्रेन इज रनिंग इज द वे टू अहमदाबाद, फिर मेरी जो ट्रेन थी वो मेरी अहमदाबाद पटरी पे चल पड़ी और एंड अदर गोज़ टू पालनपुर, और दूसरी जो थी वो पालनपुर की तरफ चल पड़ी। ट्रेन डिपोर्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स द टू ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दो तीन मिनट के बाद दोनों ट्रेन अलग अलग हो गई, मतलब अलग अलग ट्रैक पे हो गई। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो, पप्पा ने ये सब मुझे खिड़की में से दिखाया। अवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन, आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो, फिर मैं ट्रेन के लेफ्ट साइड में बैठी थी और मैं पूरा बाहर की तरफ जो भी हो रहा था सब देख रही थी। आई वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस ए ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन ए फुल मून, तो उस दिन फुल मून की लाइट थी तो मैंने अच्छे से बाहर में जो मतलब कि बाहर में उसको ऐसा दिख रहा था जैसे कि वाइट कलर की कोई बेडशीट बिछाई हो, ऐसा उसको लग रहा था। तो फादर सेड दैट, पापा ने मुझे बताया, इट इज़ ए स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, ये डेजर्ट स्मॉल एरिया है कच्छ का जो डेजर्ट रेगिस्तान के जैसा है। एंड इट लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट, ये वाइट बेडशीट की तरह दिखता है बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ साल्ट ऑन इट, इसके ऊपर क्योंकि पूरा साल्ट की लेयर है। इन दिस एरिया एग्रीज आर हार्वेस्टिंग साल्ट बाय मेकिंग साल्टन, देयर वी कैन आल्सो सी वेरी बिग हीप्स ऑफ साल्ट, तो यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा क्या करते हैं नमक की खेती करते हैं और वो इसलिए हमें वाइट बेडशीट की तरह देख रहा है, तो मुझे वहाँ पे नमक की खेत भी देखने को मिला। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी। समथिंग्स लाइक ए ब्रिज वॉज सीन इन ए फेंट लाइट ऑफ मून, तो फिर उसके बाद एक ब्रिज आया जो मुझे मून की लाइट में थोड़ा फीका फीका ऐसे दिख रहा था। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल सीनाटिक, हल्के हल्के दिख रहा था। वाइल वी वर क्रॉसिंग द ब्रिज, जैसे ही मैंने ब्रिज क्रॉस किया, आई आस्क माई फादर विच इज़ दिस ब्रिज, तो ये ब्रिज कहाँ पे है, मैंने पप्पा से पूछा। तो दिस इज़ ए सूरजवारी ब्रिज, तो पप्पा ने मुझे बताया ये सूरजवारी ब्रिज है। ही रिप्लाइड इट इज़ नोन एज द एंट्रन ऑफ कच्छ, तो ये कच्छ का जो है एंट्रन मतलब एंटर करने के लिए इधर से कच्छ का जो रास्ता है वो शुरू हो गया। पेज पे देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट टू में। ही सेड दैट व्हेन दिस ब्रिज वाज नॉट देयर ऑल द ट्रेन्स ऑफ अहमदाबाद यूज्ड टू गो बाय पालनपुर दैट यूज्ड टू टेक मस्ट, तो पापा ने मुझे बताया कि सारी ट्रेनें जो हैं इसी ये अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन ही इस ब्रिज को यूज़ करती है, ना कि दूसरी सब ट्रेनें। इमिडिएटली आई आस्क माई फादर, तभी अचानक मैंने जल्दी से फिर पापा से पूछा। वी हैड सीन टू सेपरेट रेलवे ट्रैक्स, मुझे यहाँ पे दो सेपरेट रेलवे ट्रैक्स भी दिखे। बिफोर दैट वाज द वे टू पालनपुर राइट, तो उन्होंने बताया कि ये एक पालनपुर की तरफ जा रहा है। फादर सेड यस फ्रॉम द रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, ये सिर्फ रास्ता जो है ट्रेन का ही जाने के लिए है। आई वॉज 11 एट नाइट, रात के 11 बज चुके थे। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, तो पप्पा ने बोला अभी सोने के लिए। तो मदर स्प्रेड आउट बेडशीट ऑन अवर सीट, मम्मी ने क्या किया बेडशीट बिछा दी सीट पे। ऑल पैसेंजर वर आल्सो गोइंग टू स्लीप, सब पैसेंजर्स अपना अपना सो गए। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी ट्रेन में। आई वेंट टू टॉयलेट विद माई मदर एंड देन स्लेप्ट, फिर मैं भी अपनी मम्मी के साथ टॉयलेट गई और उसके बाद आके सो गई।
आगे, आई ट्राई टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन नॉइस। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी पर मैं ट्रेन के शोर में सो नहीं पा रही थी। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट। कुछ और भी फैमिली जो थी हमारी सीट के आजू बाजू में थी। द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज। कुछ मुझे मेरी एज की लड़कियाँ भी दिखी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लिपी। वो भी सोना पसंद नहीं करी, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। वी वो टॉक्ड, फिर हम सब ने उनके साथ बैठ के बात की। हर नेम वॉज फियोना, उसका नाम जो था फियोना था। शी हैड सम स्टोरी बुक्स, वो कुछ स्टोरी बुक पढ़ रही थी। आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर, मैंने भी उससे एक बुक ले एंड स्टार्टेड रीडिंग, मैंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट, पढ़ते पढ़ते बुक को फिर मैं सो गई। सडनली आई वोक अप, अचानक से मुझे नींद खुली। आई सा दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। आई सेट एंड पेप्ड आउट ऑफ द विंडो। इट सीम ए विग सिटी हैड कम। तो ऐसे ही मेरी नज़र बाहर खिड़की से पड़ी तो मैंने देखा कि बाहर से बहुत सारी लाइट आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी थी। द ट्रेन वॉज पासिंग द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जहाँ से ट्रेन वो पास कर रही थी वहाँ की जो सिटी थी वो बहुत ही सुंदर थी। अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी वहाँ पे। आई हैड नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम। मैंने कभी भी ऐसा गांधीधाम में पहला ऐसा लाइटिंग वाला सीन कभी नहीं देखा था। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज आर समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टाल बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। तो मैं ट्रेन को देख रही थी कहाँ से पास हुई ब्रिज, कुछ रास्ते में ब्रिज जा रहे थे, ब्रिज पुल, पुल से और फिर उधर से आगे पीछे से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और एकदम मौसम एटमोसफियर बिल्कुल शांत था। आई टुक माई मदर मोबाइल टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन विद विच वी विल इंजॉय वॉचिंग लेटर। तो मैंने अपनी मम्मी का मोबाइल निकाला और अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियो बनाए उस वहाँ का सीन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था और वो था वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। आवर ट्रेन रीच्ड एट वन विग स्टेशन। फिर हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े स्टेशन पे पहुँची। फादर आल्सो वोक अप, फिर मेरे पापा भी जागे। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम द एटमॉस्फेयर फील्ड अप बाय द नाइस ऑफ डिफरेंट हैकर सम ऑफ द वर्ल्ड्स फेयर। फिर मेरे पापा जागे और उन्होंने भी मुझे बताया कि ये कौन सा एरिया है और ये अहमदाबाद आने वाला है आगे है, द इधर का मौसम कैसा है, बहुत ही शोर जैसा आ रहा था। तो चाय गर्मा गर्म, भजिया पूरी, शक कोल्ड वाटर, वाटर बनानास, बड़ा पाव, चीकू, एप्पल, ये सब आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर की। तो बड़ा पाव, चीकू, एप्पल। फादर सेट, पापा बोले द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन ऑफ 20 to 25 minutes। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल एंड आल्सो वेंट विद हिम। तो फिर उनके पापा जो थे बोले कि यही अहमदाबाद स्टेशन है, यहाँ पे सब चीज़ मिलता है, मैं वो नीचे उतरे ट्रेन से और जाके पानी का बॉटल भर के लेके आए। नेक्स्ट द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड। प्लेटफॉर्म पे जो था बहुत ही शोर था। पैसेंजर वर वाइंग फ्रॉम द हैकर्स। पैसेंजर लोग जो थे वो भी क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। देयर वर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म, और उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी थे। देयर वर पीपल विद रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड। और उधर वहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं कुल्ली वगैरह बोलते हैं ना, रेड कलर की ड्रेस पहने थे जो सामान उठा के लेके जाते हैं हमारा। देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक। फिर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी जो थी माइक में हो रही थी। सब पैसेंजर वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। कुछ पैसेंजर ट्रेन का वेट कर रहे थे। आई वॉज इन्जॉइंग द सीन। मैंने वो सीन का भी बहुत मज़ा लिया। वी टुक बनानास एंड चीकू फ्रॉम हैकर्स एंड गॉट इन द ट्रेन। तो मैंने जो बेचने वाले थे सामान उनसे चीकू और क्या लिया, चीकू और बनानास लिए खाने के लिए। वाई द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड। कुछ समय बाद फिर ट्रेन स्टार्ट हो गई। वी एट बनानास एंड चीकू आई वेंट टू द टॉयलेट। फिर मैंने बनाना और चीकू खाए, उसके बाद मैं वॉशरूम गई, टॉयलेट गई। नो आई वॉज नॉट फीलिंग स्लिपी। फिर भी मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रहा था। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लैडर्स गेम। फिर मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। कौन सी वाली गेम, स्नैक्स एंड लैडर। हिमक्स फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लैडर। फिर मैंने भी सांप सीढ़ी वाला वो जो गेम रहते हैं ना वो खेलना स्टार्ट कर दिया और लड़कों के साथ जो साथ में लड़कियाँ थी। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नाइदन वर फियोना हैड टू गेट डाउन। तो फिर नाइदा जंक्शन आ गया तो वहाँ पे जो फियोना थी वो उतर गई। फियोना सेड बाय टू अस देन एंड आई एम हिमक्ष वेंट टू स्लीप। तो फियोना ने मुझे बाय कहा, फिर मैं और मेरा भाई जो था हम दोनों सो गए। हैव यू एवर ट्रेवल बाय रोडवे आर रेलवे एट नाइट। थैंक यू।